उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के इटबा से 24 साल की सैयदा खातून को 25 अप्रैल को किडनैप किया गया था। 21 दिन तक पुलिस बेखबर बनी रही, जबकि किडनैपर वीरेंद्र कुमार लगातार सैयदा को टॉर्चर करने के फोटो उनके परिजनों को भेजता रहा। वरिष्ठ पत्रकार अलीशान जाफरी ने 15 मई को ये रिपोर्ट द बायर में प्रकाशित की। पुलिस हरकत में आई और अगले ही दिन 16 मई को लड़की को बरामद कर लिया गया, लेकिन इस किडनैप की खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह से गायब रही। घटनाक्रम रमजान का है। सैयदा सहरी के लिए उठी थी, उसी दरमियान उन्हें किडनैप किया गया था। आरोपियों ने परिजनों को पुलिस या गांव वालों को न बताने के लिए धमकाया भी था। बाद में परिजन पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अलीशान को घटना की खबर लगी तो उन्होंने इसे रिपोर्ट किया और ये मामला ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। पुलिस हरकत में आई तो इस तरह एक लड़की की जिंदगी बच पाई। दरअसल यूपी में महिला सुरक्षा के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में महिला अपराधों को लेकर पुलिस की ही निष्क्रियता देखने को मिली है। सिद्धार्थनगर में 2 दिन पहले की बात है, पुलिस ने एक गांव में दबिश दी और अब्दुल रहमान को उठाकर ले जाने लगी। उनकी मां ने विरोध किया तो पुलिस कर्मियों ने उनके सीने में गोली मार दी, जिससे रोशनी नामक महिला की मौत हो गई। इस मामले में सिद्धार्थनगर सदर थाने के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उधर बरेली में शाही थाना क्षेत्र के औरंगाबाद में एक लड़की को भगाने का मामला सामने आया है। लड़की का नाम रूबी है। परिजनों का आरोप है कि गांव का ही हिमांशु उनकी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस में शिकायत की तो सुनवाई नहीं हुई। बाद में दरगाह आला हजरत से जुड़े जमात रजाए मुस्तफा ने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया तो FIR दर्ज की गई। हालांकि इस बीच लड़की का एक कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने अपनी मर्जी के साथ जाने की बात कही है। चूंकि एक तथ्य ये भी है कि यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून बना है, इसलिए अंतर धार्मिक शादियां बिना प्रशासनिक अनुमति के संभव नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में परिजन भी पुलिस प्रशासन के दखल की उम्मीद करते हैं। लेकिन सैयदा का केस इन सब से एकदम अलग है। किडनैप करने के बाद लगातार उन्हें टॉर्चर किया जाता रहा और आरोपी उत्पीड़न के सारे फोटो परिवार को भेजकर धमकाता रहा। उनके पैर में फ्रैक्चर करने की भी फोटो उनके माँ बाप को भेजी गई। बहरहाल 16 मई को सिद्धार्थनगर पुलिस ने एक बयान में कहा है कि लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है।